जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का सेशन में। आज का सेशन है यानी कि साइंस का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है NPCIL के लिए, क्योंकि NPCIL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित ये प्रश्न है और इसी प्रकार का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का सबसे पहला प्रश्न है यानी कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों यानी कि एक माइक्रोमीटर बराबर होता है यानी कि 10^-6 मीटर होता है, ठीक है ना। 10^-6 तो कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 10^-6, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होता है। मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आईसीएल एग्जाम के लिए, यानी कि विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होता है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रा जो होता है तो वो यानी कि कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का क्या SI मात्रा जो होता है क्या होता है वो यानी कि कूलम्ब होता है, ठीक है, कूलम्ब होता है। नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि विस्थापन की SI इकाई क्या है, यानी कि विस्थापन को जो यानी कि मापते हैं वो किस चीज़ में मापते हैं। तो विस्थापन को यानी कि मीटर में मापते हैं, ठीक है, क्या चीज में, मीटर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी भौतिक मात्रा की इकाई एक समान है, किसकी इकाई जो है एक समान है, जैसे कि कार्य और ऊर्जा का, बल और शक्ति का, कार्य और शक्ति का, या ये दोनों का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कार्य और ऊर्जा का जो है ये यानी कि इकाई जो है वो समान है, ठीक है ना। कार्य का यानी कि मीटर प्रति सेकंड इसका भी होता है और इसका भी यानी कि यही होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दोस्तों यानी कि दूरी की इकाई है, किसकी, दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की SI इकाई यानी कि क्या होता है, प्रतिरोध की SI इकाई, प्रतिरोध की इकाई ओम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ओम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिबल की SI इकाई क्या है। तो प्रतिबल का SI इकाई यानी कि न्यूटन पर यानी कि मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच खा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा का SI मात्रा क्या है, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ICR NPCIL एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा का SI मात्रा क्या है। तो विद्युत धारा का SI मात्रा की बात किया जाए तो दोस्तों तो एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रा एम्पियर होता है, ठीक है ना, एम्पियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, शक्ति की इकाई क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि शक्ति की इकाई जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वाट होता है, ठीक है, क्या होता है, वाट। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दाब की SI इकाई क्या है, ठीक है ना। तो दाब का SI इकाई जो होता है दोस्तों वो जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है ना, यानी कि वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मैच खा रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, ठीक है ना। पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो उस दूरी को यानी कि किससे मापते हैं, यानी कि मापन यंत्र इसमें पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वो जो है यानी कि वो जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से इसको मापते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बल की SI इकाई क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों NPCIL के लिए, यानी कि बल की SI यूनिट क्या है। तो बल की SI यूनिट यानी कि क्या है, तो न्यूटन है, ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, क्या है, न्यूटन है, ठीक है,
न्यूटन है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरोध की इकाई क्या है, ठीक है ना, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो यानी कि प्रतिरोधकता की इकाई की बात किया जाए दोस्तों, यानी कि प्रतिरोधकता की इकाई जो है वो ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है? ओम मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए मैच खा रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए मैच खा रहा है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि डॉट डॉट की ऐसा इकाई न्यूटन है, यानी कि किसका इकाई जो है न्यूटन है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, यानी कि वजन और बल का जो है ऐसा इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। वजन और बल का ऐसा इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, तापमान की ऐसा इकाई कौन सा है, ठीक है ना। तो तापमान की ऐसा इकाई की बात किया जाए दोस्तों, तो तापमान का ऐसा इकाई क्या होता है? तो तापमान का ऐसा इकाई की बात किया जाए तो तापमान का ऐसा इकाई जो होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 × 10⁵ होता है, ठीक है ना। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 × 10⁵ यानी कि 5 होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी मैच खा रहा है, पावर में है ये 5 दिया हुआ, ठीक है ना, पावर में दिया हुआ है 5, इसके ऊपर पावर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि कार्य का मात्रक क्या है, ठीक है ना। तो कार्य की मात्रक की बात किया जाए दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, यानी कि जूल होगा, ठीक है। कार्य का मात्रक जूल भी होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भार की ऐसा इकाई क्या है? तो भार की ऐसा इकाई की बात किया जाए दोस्तों, तो भार की ऐसा इकाई वो न्यूटन है। क्या है? भार की ऐसा इकाई न्यूटन है, ठीक है, भार की ऐसा इकाई न्यूटन है, ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है ना। उद्योग में अगर शक्ति की इकाई की बात किया जाए दोस्तों, तो वह अश्वशक्ति होता है। क्या होता है? अश्वशक्ति होता है, ठीक है, अश्वशक्ति होता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का यानी कि हर प्रीवियस क्वेश्चन NPCI के लिए आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि आवेग का मात्रक क्या है दोस्तों? आवेग का मात्रक होता है यानी कि न्यूटन सेकंड। क्या होता है? न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, ठीक है ना। तो कोणीय विस्थापन की बात किया जाए दोस्तों, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है वो क्या होता है? तो वो यानी कि कोणीय विस्थापन की बात किया जाए तो एस्टेरेडियन होता है। एस्टेरेडियन यानी कि लिखा हुआ है ऑप्शन में, क्या होता है? एस्टेरेडियन होता है, ठीक है, एस्टेरेडियन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि एक पार्सेक किसके बराबर होता है, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो एक पार्सेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि यही मैच खा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि कैंडेला किसका मात्रक है, ठीक है ना, कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला जो है वो किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, ठीक है ना। कैंडेला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का होता है। किसका? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, ठीक है, कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न, एक जूल बराबर क्या होता है? तो एक जूल बराबर जो होता है दोस्तों, तो यानी कि 1 N × 1 m होता है, एक जूल बराबर, ठीक है, एक जूल बराबर 1 N × 1 m होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि यही मैच खा रहा है इसमें भी, 1 J = 1 N·m। नेक्स्ट प्रश्न, पार्सेक किसकी इकाई है? आज का लास्ट प्रश्न है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो पार्सेक जो है वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है पार्सेक? पार्सेक जो है वो दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ठीक है।